हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस माय सेल्फ डॉक्टर गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर दैट कम्स अंडर योर यूनिट नंबर टू ऑफ टेंथ साइंस दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ लिविंग तो हम लोग लाइफ प्रोसेस इसमें चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम लोग दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दी लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं और जो इसमें यूनीसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गैनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस के बारे में हमने बात करी देन हमने बेसिक कंसेप्ट हम लोग इसमें बताया कि चार प्रोसेसेस होते हैं न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने अपनी सेकेंड वीडियो में कवर किया कि न्यूट्रिशन क्या होता है और इस प्रोसेस में दो तरह से ऑटोट्रॉपिक और हेड्रोट्रॉपिक तरह का दो तरह का न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स ग्रीन प्लान्ट शो करते हैं और वो खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस उसको हमने कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया कि जो उसके रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म करने के लिए क्या वो सभी के सभी रिक्वायर्ड हैं या नहीं है तो वो हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया अगर उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी सो यू कैन गो एंड वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो ओके सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ़ द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर सो अंडर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें हम बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की और सबसे बड़ी बात हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहेगा हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन होता कैसे है और फूड की डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक इज हैट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ये हमने बताया था जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स इनके ऊपर ये डिपेंडेंट हैं इन बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपना खाना ग्रीन प्लांट से लेते हैं सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फॉर फूड सो ये फूड्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो हैं फ़ूड लेकर उसको डिफरेंट वेज से यूज़ करते हैं जैसे कि अगर आप फंजाई की बात करें फंजाई आप अपनी ब्रेड देखिए अब ब्रेड कुछ देर पड़ी रहे तो उसके ऊपर कुछ मोल्ड लग जाता है तो जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है या यीस्ट या मशरूम ये सारे क्या हैं एक फंगस का पार्ट है तो ये 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 ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो फूड का ब्रेक डाउन है वो इनकी बॉडी के बाहर हो जाता है और फिर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है सो है तो ये डिपेंडेंट दूसरे के ऊपर ही अपने न्यूट्रिशन के लिए दैट्स वाई दे कम्स अंडर हैड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बट इसमें भी फर्दर ये डिफरेंट वे से अपने फूड को यूज़ करते हैं ये फूड ये अपना फूड को ब्रेक डाउन करके बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं जबकि एनिमल्स एनिमल्स के केसेस में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा खाना अंदर ले लेते हैं फिर अपनी बॉडी में उसको डाउन करते हैं और देन एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है जबकि हम थर्ड चीज़ में बात करें कस्क्यूटा एक अमर बेल है जिस टिक्स हो गए लाइस हो गई लीचेज हो गए टेप वॉम्स हो गए ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं ये अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स को उनको बिना मारे यानी कि एज अ पैरासाइट के तौर पे ये उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनसे अपना खाना डिराइव करते हैं अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं जैसे कि लाइस है जो बालों में खून लेकर अपना जीवन जीती है ठीक है सो दिस इज अबाउट दी हैड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे डिफरेंट वे से यूज अप करते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या क्या हैं पहली है सेप्रोफिटिक दूसरी है पैरासिटिक थर्ड है हुई सो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये डेड प्लांट्स डेड बॉडीज और डिकेइंग एनिमल बॉडीज के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन उन्हें सेप्रोफिटिक सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है क्या कहा जाता है जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है इनकी एग्जाम्पल है यीस्ट और मशरूम राइट सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन सो so, ये भी एक किस्म की हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी लाइस की या फिर यू कैन सी टेप वॉम एज पर ठीक है सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन थर्ड न्यूट्रिशन की बारी आ जाती है होल्लोजोइक न्यूट्रिशन जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद अपनी बॉडी में उसको कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर सिम्पलर वंस में कन्वर्ट करके देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये काम होता है ह्यूमन बींग्स और अमीबा में जबकि ह्यूमन बींग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है so सो इसके बारे में अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विथ फर्दर डिटेल्स सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अमीबा अगर अमीबा की बात कर रहे हैं सो so अमीबा जो है जो ये है इसकी बॉडी है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सर्फ एनवायरमेंट के जिससे हमने बात किया था इसका जो सरफेस एरिया है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है अब एनवायरनमेंट के तो ये अपना फूड सरफेस एरिया से ही टेकअप कर लेता है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इसके डिफरेंट स्पेशलाइज पार्ट्स बनते जा रहे हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये फूड मटेरियल पड़ा है ठीक है ये फूड पार्टिकल है ये अमीबा है इसने क्या किया इसने खाने को अंदर लेकर जाना है ये बाहर एनवायरमेंट में सब पड़ा है तो ये अपने सरफेस से ही अंदर लेके जाएगा इसके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं है इसको अंदर लेने के लिए ठीक है तो इसने इस तरह से एक सीडोपोडिया एक आर्टिफिशियल ऐसे पोडिया सा फॉल्स पोडिया इसके आसपास पास कर लिया उसके बाद इसने क्या किया इसको एंगल्फ कर लिया यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैन यू सी दैट यहाँ पे इसने एक सीडोपोडिया बनाया उसके बाद जो है जो फूड है वो अंदर चला गया ठीक है एक फिंगर लाइक -like ये देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गई सेल सरफेस की जिसने फूड वेक्यूल को अंदर फ्यूज मतलब अंदर ले लिया अपने अंदर लेने के बाद इसके अंदर क्या हुआ फ़ूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसके ब्रोकन डाउन हुए सिंपलर वंस में और उसके बाद उसकी फर्दर डिफ्यूज़न कहाँ चली गई ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपलर वंस में डिफ्यूज़ होता चला गया यू कैन सी दैट ठीक है उसके बाद जो है इसका फ़ूड मटेरियल निकल के कहाँ चला गया एब्जॉर्ब होके वे ये साइटोप्लाजम में डिफ्यूज़ हो गया ये साइटोप्लाजम है यहाँ पे फूड जो है सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन होके डिफ़्यूज़ हो गया उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया ठीक है इसने फूड मटेरियल लिया फूड मटेरियल को ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई और उसको एब्जॉर्ब कर लिया अंदर अंदर एब्जॉर्ब करके उसको कॉम्प्लेक्स वंस को सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर दिया और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसने जो मटेरियल था सिंपलर वंस वाला वो डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म में चला गया अब क्या हुआ अब उसने क्या करना है फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा हमारा कि जो ई e जो बाहर बच गया जो अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया उसको भी तो सरफेस पे आना है वापस और उसको बाहर भी निकालना है सो so, जो ई e जैशन जिसे हम बोलते हैं ठीक है so, सो जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसने इस तरह से उसको बाहर निकाल दिया एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ठीक है सो ये अमीबा में पांच स्टेप्स में हमारा पूरा न्यूट्रिशन हुआ फर्स्ट इज इंजेशन खाने को अंदर लेना ठीक है कैसे उसने अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई और खाने को अंदर लिया उसके बाद उसने उसको सेकेंड इज डाइजेशन उसने उसको कैसे अंदर लेकर डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया थर्ड इज़ एब्जॉर्बन उसने कैसे उसको ब्रेकडाउन किया सिंपलर पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर में कन्वर्ट किया एसिमिलेशन उसके बाद उसने सिंपलर वंस को डिफ्यूज़ कर लिया साइटोप्लाज्म में जिसके कारण उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी फिफ्थ इज ई जशन जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया उसने उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया ठीक है सो दैट इज ई जशन सो ये अमीबा का प्रोसेस रहता है और अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम की एग्जाम्पल है तो ये क्वेश्चन एज एट इज आपको फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन थ्री मार्क्स में आ सकता है सो so आपने इसमें ये डायग्राम्स को भी अच्छे से करना है डायग्राम्स भी आपने बनानी सीखनी है और उसके पांचों स्टेप्स को आपने हाईलाइट करके उसकी डिटेल्स को देना है ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में है पैरामीशियम पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ पे वो फूड मटेरियल को ये यू कैन सी दिस स्पेसिफिक स्पॉट है ये फूड मटेरियल है यहाँ पे वो इस तरह से अपने माउथ में फूड मटेरियल को अंदर लेता है और ये लेता किसकी हेल्प से है जो बाहर इसके सरफेस पे क्या बने हुए हैं ये सीलिया बने हुए हैं इसकी मूवमेंट से ये हेयर लाइक कवरिंग्स होती हैं जो सेल को कवर करती हैं पूरे तो इसकी कवरिंग से ये ऐसे ऐसे हिलाता रहता है और यहाँ से फूड मटीरियल को ये अंदर ले लेता है और उसकी बॉडी में फर्दर ये वाले सारे प्रोसेस हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज़ अबाउट यूनीसेलर ऑर्गेनिजम्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वीग्स सो ह्यूमन बींग्स में हमें सबको पता है हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फुल फ्लैश डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ठीक है सो यू कैन सी दैट ये एक एलिमेंट्री कैनाल है इसे क्या बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल है जो एक लंबी सी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेके एनस तक इसको कवर करती है ठीक है सो एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू द एनस सो अगर आप ह्यूमन बॉडी में बात करें सो दिस इज़ अ माउथ माउथ ठीक है माउथ से हम लोग खाना अंदर लेते हैं इसमें टीथ है टीथ जो है उसको ब्रेकडाउन करते हैं खाने को सलाइवा है सलाइवा हमारा जो सलाइवा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स उसको रिलीज आउट करती हैं वो उससे फूड को ब्रेकडाउन करने में उसको हेल्प मिलती है ठीक है उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है सेकेंड है ईसोफेगस ईसोफेगस में खाना चला गया इसमें देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये ईसोफेगस में खाना चला गया यहाँ पे खाना जाने के बाद हमारा खाना कहाँ पहुँच जाता है स्टमक में स्टमक में खाना पहुँच गया स्टमक में फर्दर एब्जॉर्बन होती है फर्दर ब्रेक डाउन होता है उसके बाद खाना पहुँच गया हमारा इस पर हेल्प करते हैं लीवर और पैनक्रियाज इसकी हेल्प करते हैं सो ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं स्लो बाय स्लो सो बेसिकली दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी सो so, ये माउथ के थ्रू खाना गया इसोफेगस से स्टमक तक पहुंचा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा और उसके बाद जो फर्दर एक्स जो में जो अनडाइजेस्टेड और अनयूज फूड बच गया उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है थ्रू दिस एनस एंड वैक्टन ठीक है सो दिस इज वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन सो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं फूड की डाइजेशन की फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आउटसाइड सोर्स से फ़ूड आया फूड हमने खाया ठीक है फूड कुछ भी हो सकता है वो कार्बन बेस्ड फूड रहेगा सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल किसकी हेल्प से होते हैं विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है उसको छोटे छोटे स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मोलिक्यूल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सके ऐसा थोड़ी है कि हमने खाना खाया हमें एकदम से एनर्जी मिल गई एकदम से एनर्जी मिली और उसके बाद हम लोग एकदम से ढह गए ऐसा तो नहीं होता ना हम जैसे धीरे धीरे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ब्रेकडाउन करती है खाने को उसको यूज़ करती है उसको स्टोर करती है ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकें उसके बाद ठीक है उसके बाद एक्सक्रीट आउट करती है जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है ठीक है सिमिलरली एनर्जी भी हमें धीरे धीरे ही मिलती है सो so, ये सारा एक प्रोसेस की फॉर्म में होता है सो so, सबसे पहले जैसे कोई खाना आया आप माउथ में खाना आया आप सोच के देखिए आपने खाना खाया आपने टीथ की हेल्प से खाना खाया टंग की हेल्प से खाना खाया दो चीजें यूज हुई फूड को च्यू किया आपने तोड़ दिया उसको तोड़ने में किसने हेल्प की सलाइवा ने किसने हेल्प करी सलाइवा ने सलाइवा किसने सिक्रीट किया था ये याद करिए सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड हमारी हमारी बॉडी में उन्होंने सलाइवा को स्क्रीट किया माउथ के अंदर जिसने टंग Uh, जिसने टीथ और टंग की हेल्प से फ़ूड को च्यू करने में हेल्प की टीथ्स ने फूड को क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में uh, क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना दिया जिसमें स्लाइवा ने स्लाइवा ने क्या काम किया उसने क्या किया जो स्टार्च था खाने के अंदर उसको स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है ना एक कॉम्प्लेक्स शुगर है कॉम्प्लेक्स शुगर को उसने सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया सो so, इस पूरी पिक्चर में क्या हो रहा है इसमें कुछ भी नहीं हो रहा खाना ये खाना है खाने को बॉडी में लिया माउथ में गया माउथ में सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ा हुआ है उसमें टीथ ने फूड मटेरियल को सलाइवा की हेल्प से कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ठीक है छोटे छोटे पार्ट्स में एब्जॉर्बेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया क्रश कर दिया और सलाइवा ने क्या किया उसमें जो स्टार्च थी कॉम्प्लेक्स शुगर थी उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर राइट right? उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है हम सीधा ही नहीं चल रहे हैं। हम एन सी आर को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उसमें आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जहाँ पे सिंपल सिम्पल्स एक्सपेरिमेंट है दो टेस्ट ट्यूब्स दी टेस्ट ट्यूब वन एंड टेस्ट ट्यूब टू एक टेस्ट दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने क्या डाल दिया स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया इसमें भी इसमें भी स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया फिर हमने क्या किया स्टार लिया दोनों टेस्ट ट्यूब फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आया सेकेंड स्टेप आया कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने वन एम एल ऑफ सलाइवा डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में हमने नहीं डाला सो so सलाइवा इसमें है इसमें नहीं है तो उसके बाद हमने उसको ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया ऐसे ही छोड़ दिया उसको एब्जॉर्ब होने दिया देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या रहा थर्ड स्टेप में हमने कुछ लाइक like, कुछ ड्रॉप्स ली आयोडीन सॉल्यूशन की उसको हमने दोनों टेस्ट ट्यूब्स में धीरे धीरे ऐड किया सो वॉट वी हैव ऑब्जर्व इन बोथ द रिजल्ट वट वी हैव फाउंड जो टेस्ट ट्यूब बी थी आप सोच के देखिए उसके अंदर सलाइवा नहीं था सो so, उसके अंदर जो स्टार्च था वो एज इट इज ही रहा उसमें कोई चेंज नहीं आया जबकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने स्टार्च सॉल्यूशन में स्लाइवा मिक्स किया था उसमें उसमें क्या हुआ उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ उसमें दैट मीन्स कि जो स्टार्च है वो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट स्टार्च जो है वो सलाइवा ने डाइजेस्ट कर लिया दैट मीन्स उसमें कलर चेंज नहीं आया और जबकि टेस्ट बी में ब्लू कलर आ गया सो इट शोज कि सलाइवा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सो so, सिमिलरली हमारे माउथ में क्या होता है खाना रखा खाना क्या हो गया एक स्टार्च सॉल्यूशन हो गया चार सॉल्यूशन में सलाइवा मिक्स हुआ सलाइवा मिक्स होने के कारण क्या हुआ कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च जो है वो सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाती तो सलाइवा अगर नहीं होगा तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे ही खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है सो देन सेकेंड अब हम उसके बाद आगे मूव करते हैं हमने खाना ले लिया अब पेरिस्टॉल्सिस पेरिस्टॉल्सिस एक वर्ड है जो कि आपको वन मार्क में भी आ सकता है इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है सो so, इसकी डेफिनेशन यू शुड नो पेरिस्टॉल्सिस होता है कि मसल्स की मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड जो एक ईसोफेगस ये एक लाइन ये, ये एक आप ट्यूब सी देख रहे हैं इसके अंदर जो खाना है मसल्स मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मुँह से खाना गया डाइजेस्ट होके ये एक बॉल्स ऑफ फूड है जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं सो so, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हुई तो ऊपर से वो बंद हो गया बंद होने के कारण जो खाना है वो वापस मुंह में नहीं आ सकता वो नीचे ही जाएगा हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ठीक है ये ऊपर नहीं आ सकता खाना नीचे की तरफ ही जाएगा सो यू कैन सी द सैरो नीचे की तरफ खाना जा रहा है जहाँ जहाँ पे फूड जाता जा रहा है मसल रिलैक्स होते जा रहे हैं उसको पाथवे देते जा रहे हैं ताकि खाना नीचे मूव कर सके और जहाँ से वो निकलता जा रहा है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं वो बंद होता जा रहा है ताकि खाना वापस ऊपर ना जा सके ठीक है तो जो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है फूड को फर्दर पुश करने की ठीक है इसको क्या बोला जाता है पेरिस्टॉल्सिस और ये कहाँ पे होती है एलिमेंट्री कैनाल ठीक है एलिमेंट्री केनाल पूरी की पूरी है ये ईसोफेगस में होती है ठीक है सो इसमें क्या हो गया अब खाना जो है फूड माउथ से निकल के हमारा ईसोफेगस में पहुंच गया और ईसोफेगस में पेरिस्टॉल्सिस की हेल्प से खाना अब कहाँ चला जाएगा खाना चला जाएगा हमारे स्टमक में ये क्या है ये एक स्टमक है ठीक है so, सो यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये बंद हो गया मसल्स रिलैक्स हुए खाना आगे चला गया वापस से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो गई फिर नीचे आएगा रिलैक्स हो रहे हैं मसल्स खाना आगे बढ़ रहा है पीछे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके बंद होता चला जा रहा है ठीक है इस तरह से खाना धीरे धीरे करके कहा पहुंच गया हमारे स्टमक में पहुंच गया स्टमक क्या है एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड कर जाता है जैसे ही खाना उसके अंदर आता है जो हमारा पेट है वो फूल जाता है जैसे ही खाना उसके अंदर आता है और उसमें भी फर्दर मिक्सिंग होती है विद डाइजेस्टिव जूसेस जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में फर्दर हेल्प करती है तो अभी तक क्या पड़ा माउथ से खाना लिया सलाइवा ने उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया फिर वो ईसोफेगस में गया वहाँ पे पेरिस्टोलसिस की हेल्प से खाना आगे बढ़ते बढ़ते हमारे स्टमक में पहुंच गया अब स्टमक में क्या है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं स्टमक में क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ठीक है जीके? ये गैस्ट्रिक स्टमक का एक अगर आप माइक्रोस्कोप में उसका पार्ट देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा तो इसमें क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जिन्होंने तीन चीजें रिलीज की फर्स्ट इज एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड येस हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है देन इज पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन तीसरी चीज म्यूकस म्यूकस हमारी तीन चीज़ें हैं जो हमारे आ, स्टमक में प्रेजेंट होंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंड म्यूकस अब सबसे पहले आप देखिए एच सी एल एच सी एल का क्या काम है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है स्टमक के अंदर जो कि पेप्सिन का काम पेप्सिन के एक्शन को करने में फैसिलिटेट करता है उसके एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है ठीक है तो इनका काम क्या है इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये उनको डिस्ट्रॉय कर देती है पेप्सिन सो म्यूकस जो है म्यूकस जो है जो ये स्टमक है इसकी स्टमक की लाइनिंग में ये जो लाइनिंग है यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है इसका इसका फंक्शन क्या रहता है इनर लाइनिंग में स्टमक की प्रेजेंट है इसका ये जो रेड कलर की मैंने अभी ड्रॉ की है रफ सी आप देख सकते हैं ये एक म्यूकस की म्यूकस है ये इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है स्टमक की ताकि जो एसिड है स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट ना, ना कर सके ठीक है इनर लाइनिंग को अफेक्ट ना कर सके बट समाइम्स जब हम कुछ गंदा सा खा लेते हैं हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती तो जो ये एच um, है ये यह यहाँ पे एक्ट करता है और हमें बर्निंग सेंसेशन होता है जिससे कि सब लोग एसिडिटी के नाम से जानते होंगे तो आपने सब ने सुना ही होगा घर में कि किसी ना किसी को एसिडिटी हो गई है एसिडिटी का क्या मतलब हुआ कि जो एच सी एल है उसने वॉल पे एक्ट किया और एक बर्निंग सा सेंसेशन गंदा सा जलने वाला फील आता है आपके स्टमक में जिसे एसिडिटी कहा जाता है ठीक है तो स्टमक में कौन से कौन से तीन प्रेजेंट हैं एच सी एल पेप्सिन और म्यूकस एच जो है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके और हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके जबकि म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टमक से खाना है ना अब स्टमक से खाना निकल के फर्दर कहाँ जाएगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है एक लॉन्गेस्ट और हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं ये ऐसे स्मॉल्ड का मतलब ऐसे जुड़ा हुआ ठीक है तो ये सबसे लंबा और हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन वन मार्क्स नोटेड डाउन की स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एक क्वेश्चन ये जरूर आता है ये आपके Uh, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो एनिमल्स में लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिफरेंट रहती है ऑन द बेस्ड ऑन द फूड दे ईट. तो क्वेश्चन क्या आता है कि हरबी वोरस में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है एज कंपेयर टू कार्वोरस ठीक है सो so, इसका आंसर क्या है जो हर्बी बोरस हैं उन्होंने सेलुलोज की डाइजेशन करनी होती है वो प्लांट बेस्ड फूड पे डिपेंडेंट होते हैं जिसके अंदर सेलुलोज होता है जो उसकी डाइजेशन को टाइम लंबा लगता है इसलिए हर्बी वोरस में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है जबकि जो मीट है वो ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है तो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी रहती है सो नोटेड डाउन अबाउट डीज टू क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्बीवोरस है ये हर्बीवोरस है ये कार्निवोरस है जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है दिस इज़ द लॉन्ग वाई बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन दी बेस्ड फूड और ये इसमें सेलुलोस होता है जिसकी डाइजेशन में टाइम लगता है जबकि कार्निवोरस की शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो मीट बेस्ड फूड खाते हैं जिसको जो इजिली डाइजेस्टेबल है राइट right? तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ की डाइजेशन हो गई इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स की और फैट्स की सो so इसके इसको कौन हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को इसको दो हमारे ऑर्गन्स और हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर और पेनक्रियाज ये किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं इसमें लीवर क्या से करता है बाइल जूस क्या सिक्रीट करता है बाइल जूस बाइल जूस क्या करता है फैट्स की जो लार्जर फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फैट्स में कन्वर्ट कर देता है ठीक है जिससे जैसे कि सिमिलर एक्शन होता है सोप्स का डर्ट डर्ट के ऊपर ठीक है तो बेसिकली लिवर बाइल जूस सिक्रीट करके ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या हेल्प करता है बाइल जूस को सिक्रीट करता है और जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो बड़े बड़े फैट्स हैं उनको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है इसके दो फंक्शंस हैं एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन बना देता है और लार्जर फूड ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कर देता है अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज़ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो लिवर ने हेल्प किया दूसरा हमारा पेनक्रियाज हेल्प करता है सो so, पेनक्रियाज जो है ये लीवर हो गया ये पेनक्रियाज हो गया ठीक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लीवर ने अपना काम कर दिया पायल जूस देके अब पेनक्रियाज अपना काम करेगा पेनक्रिएटिक जूस क्रिएट करके तो इसके नाम प्लीज याद करिए आप या पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस ठीक है तो ये कौन से कौन से एंजाइम्स रिलीज करते हैं एक ट्रिप्सिन करते हैं एक लाइपेस करते हैं तो ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं जो एंजाइम्स के नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रिप्सिन का, का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना लाइपेस का, का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना ठीक है सो पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जिसमें दो एंजाइम्स आए ट्रिप्सिन और लाइपेस ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया लाइपेस ने फैट्स को डाइजेस्ट कर दिया तो वॉल ग्लैंड जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रिएट करते हैं जो कि क्या कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रोल में सो so किस किस तरह से ब्रेक डाउन हुई कार्ब्स प्रोटीन्स और फैट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में हो गए फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में हो गए और जो डाइजेस्टेड फूड था वो फर्दर किसने ले लिया वॉल ऑफ द फर्दर फूड टेकन अप बाय द द वॉल ऑफ़ राइट? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है विलाय विलाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विलाई क्या होती है सो so, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये विलई विलई इज़ लाइक दिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सॉरी मैं अच्छा नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पर आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड ड्रॉइंग सो एक इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है ये इस लाइनिंग पे प्रजेंट होती हैं सो so इनका काम क्या है वॉट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस व्लाई ऑन द स्मॉल इंटस्टाइन ये सरफेस एरिया एब्जॉर्बन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एबजॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सके इसलिए ये उसका सरफ़ेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं तो इनका क्या काम है इनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एब्जॉर्ब फूड को डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने में हेल्प करती हैं ताकि ये सारे के सारे सेल्स एनर्जी को यूटिलाइज करके पुराने सेल्स को पुराने सेल्स को रिपेयर कर सके और नए सेल्स को बना सकें सो विल का क्या फंक्शन है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि मैक्सिमम खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो सके ठीक है और इसमें एब्जॉर्ब हो गया तो मतलब कम से कम है कि जो एब्जॉब्शन बच गई जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया जो अनऐब्ज़ॉर्ब फूड रह गया वो फर्दर कहाँ चला जाता है अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की तो यहाँ पे खाना फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया जो कि वहाँ पे भी क्या होता है कि उसकी वॉल्स जो हैं पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं ठीक है जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंच गया वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वॉल्स पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं और जो बाकी रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है वो हमारे एनस तक पहुँच जाता है और वहाँ पे एनल्स पिंचर जैसे रेगुलेट करता है कि आपको यूरिन की फॉर्म में ठीक है एक्सक्रीटा की फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल पास आउट हो जाता है सो दिस इज़ अबाउट द हाउ द फूड इज़ लाइक न्यूट्रिशन मतलब खाना लेकर वो फूड बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और जो अनएब्जॉर्ब रिमेनिंग वेस्ट मटीरियल बच गया वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है सो so ये सारे स्टेप्स में हमारी बॉडी में क्या हो रहा है डायजेशन हो रही है सो आई होप ये आपको सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया हो और इसमें बस एक चीज़ बचती है डेंटल केरीज की हम बात कर रहे हैं डेंटल केरीज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा जिस डेंटल सारीज एक्चुअली होती क्या है ये आपको लाइक टू मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम्स में सो डेंटल केरीज क्या होती है इट्स अ ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग तीन चीजें इसमें लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि जो हमारे टीथ्स हैं उनका सॉफ्ट हो जाना और जो इनेमल इनेमल यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है ठीक है इसमें इसकी डीमिनरलाइजेशन हो जाना और डेंटाइन हो जाना तीन चीज़ें ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल और डेंटाइन ये सब तीन चीज़ें जो तीनों चीज़ें किसका एक सिंपल भाषा में बोले तो केरीज हो जाना डेंटल केरीज डेंटल कैविटीज़ हो जाना तो ये सारी की सारी चीज़ें होना डेंटल केरीज़ कहलाता है और ये होती कैसे हैं जब हम जो खाना खाते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो हम जब खाना हमारे मुंह में ही रह जाता है ठीक है तो जो बैक्टीरिया है उसमें वो उसमें एसिड की प्रोडक्शन कर देते हैं जिससे वो टीथ्स को हार्म करते हैं तो जो शुगरी फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एसिड धीरे धीरे हमारे टीथ्स को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं वो डेंटल केरीज़ कर देते हैं ठीक है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं पल्प के अंदर घुस के उसकी इंफ्लामेशन कर देंगे या स्वेलिंग हो जाएगी या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक है तो जो बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स टूगेदर खाना जो बचा हुआ खाना दांतों में लगा रह जाता है स्टिक हो जाता है टीथ में वो कट्ठे मिलके क्या बना देते हैं प्लेग डेंटल प्लेग बना देते हैं जो सलाइवा को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता ताकि सलाइवा अगर जाएगा है ना वो क्या कर देगा एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा तो जो प्लेग है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि सलाइवा को दांतों तक पहुंचने नहीं देती जिससे जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते और हमारे टीथ्स ख़राब होने लग जाते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए ठीक है इलाज तो इसका एक ही है कि आर करवा लो उसके बाद आपका टेम्प्रेरी फिलिंग हो जाएगी फिर परमानेंट फिलिंग हो जाएगी जो मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आप आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में बट इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कहा जाता है ब्रशिंग ब्रशिंग द टीथ प्रॉपरली ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी कब खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद ब्रश करना टीथ को दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द प्लेग सो डेंटल केयर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सा था जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था एंड आई वांट टू लाइक क्लियर दिस टॉपिक तो आप इसको पढ़ सकते हैं एन सी आर टी से आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू एंड इफ यू गैस एवेनी इश्यू सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल गेट बैक टू योर क्वेरीज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो इंजॉयिंग वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द फर्दर वीडियोज़ सो थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो Bye bye. Take care.